साल 2014 में बीच सीरीज में टेस्ट कप्तानी छोड़ने वाले टीम इंडिया के पूर्व महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने वनडे और टी20 कप्तानी को भी उसी अंदाज में अलविदा कहा जिसके लिए वो जाने जाते थे। वर्ल्ड कप के बाद दूसरा सबसे अहम टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी महज 5 महीने दूर था और वर्ल्ड कप 3 साल दूर था। ये बात 2016 की थी। ऐसा नहीं था कि धोनी के कप्तानी छोड़ने के फैसले का अनुमान या उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन उस फैसले का वक्त जरूर चौंकाता है। इसकी क्या प्रमुख वजह हो सकती है, गौर कीजिए। दरअसल पिछले 5 सालों से टेस्ट कप्तानी संभाल रहे विराट कोहली ने इसकी आशंका को अपने बल्ले से खत्म कर दिया था कि कैप्टनसी का भार व्यक्तिगत प्रदर्शन पर असर डालता है। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन टेस्ट में किया था, जिसमें उस दौरान भारत ने 22 मुकाबले खेले थे जिसमें 14 में भारत ने जीत दर्ज की। उनकी कप्तानी में जीत का प्रतिशत भारत का 64% था, जो टेस्ट में 27 जीत दिलाकर सबसे ऊपर उस समय मौजूद रहे एमएस धोनी से भी बेहतर था। कप्तान बनने के बाद उन्होंने 22 टेस्ट में करीब 64 की औसत से 2011 रन बनाए, जिसमें 8 शतक शामिल थे। दुनिया धोनी की कप्तानी की कायल रही है, लेकिन सिर्फ कप्तानी से काम नहीं चलने वाला। हेलीकॉप्टर शॉट से मशहूर हुए धोनी के बल्ले में वो पुरानी चमक बीते लंबे वक्त से नहीं दिख रही थी। फिनिशिंग का जलवा भी नदारद था। वनडे की बात करें तो साल 2012 से 16 के बीच हर साल उनका औसत खूब गिरा। साल 2012 में औसत 65 पर था, जो साल दर साल लुढ़कते हुए 2016 में महज 27 पर आ गया। दूसरी ओर विराट वनडे क्रिकेट में भी झंडे गाड़ रहे थे। साल 2016 में कोहली ने 10 मैच खेले थे जिसमें 93 की बेहतरीन औसत से 739 रन बनाए थे। टी20 में धोनी साल 2016 में 21 मैचों में 48 की औसत से 238 रन बना पाए थे, जबकि इस साल कोहली क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भी शानदार साबित हुए। उन्होंने इस साल खेले 15 मैचों में 107 की एवरेज से 641 रन बनाए। दो शख्स और दो पूरी दुनिया अलग शख्सियत। धोनी जहां कैप्टन कूल के नाम से मशहूर हुए, वहीं आक्रामकता कोहली की पहचान थी। कोहली की वजह से भारतीय टेस्ट टीम में जो आक्रामकता दिखी, उसे अब वनडे टीम में ज्यादा दिनों तक दूर रखना मुमकिन नहीं रह गया था। नतीजतन धोनी का ये फैसला। जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी लिखा था, जाहिर है धोनी को लगा कि अब वक्त आ चुका है। धोनी की तरह सोचने की कोशिश करें तो लगता है कोहली 2019 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कप्तान होने चाहिए, इसलिए उन्हें अभी से जिम्मा देना सही था। अगर टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने के बाद विराट नाकाम साबित होते तो उन पर दबाव बढ़ता और धोनी के दोबारा कमान संभालने की मांग उठ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोहली की कप्तानी और बल्ला दोनों कामयाब रहे और टीम इंडिया को टेस्ट में खासी कामयाबी मिली। साल 2016 में कोहली की कमान में टीम इंडिया ने एक मैच नहीं हारा। हाल के कोच बने उस दौरान अनिल कुंबले के साथ भी कोहली की अच्छी पट रही थी, लेकिन बाद में नहीं पटी। ऐसे में 2019 के वर्ल्ड कप के लिहाज से कोहली को हर फॉर्मेट में कप्तानी सौंपने का दबाव बढ़ता जा रहा था। दूसरी कई टीमों में अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान की रिवायत रही है, लेकिन भारत में ऐसा बहुत कम देखने को मिला था। ऐसे में टेस्ट के बाद वनडे और टी20 की कमान कोहली के पास जाने में ज़्यादा देर नहीं थी। बड़ी बात यह है कि एमएस धोनी ने टीम के भले और टीम के बेहतर भविष्य के लिए विराट कोहली के लिए टीम की कप्तानी छोड़ी और भारत को इससे ज़बरदस्त फायदा मिला, जिसके बाद टीम इंडिया एक अलग मुकाम पर पहुंच गई। हालांकि विराट की कप्तानी में भी भारत कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीत पाई, ये एक बड़ा सवाल विराट पर भी लग रहा है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।